यार अब तो हो गया। मुझे पता है मौलाना साहब के कह रहे हैं कि वो थाईलैंड गए, तो उस पर भी एक बंदा है, अगर वो थाईलैंड गया तो उस पर क्या मसाइल हो सकते हैं? उनको बताया गया कि समी को वहाँ जेल में डाल दिया उनको ये बताया कि वहाँ पर सीन होने नहीं, तो क्या वो मतलब वो अगर मतलब जाना चाहिए क्यों नहीं? वो वाली इलीट है, वो अगर वोकेशन करने मौलाना क्यों नहीं जा सकता? सही बात है, ठीक है वो छुट्टियों पे गया, बिल्कुल गया है तो क्यों नहीं जा सकता सर? बिल्कुल बिल्कुल थाईलैंड नहीं अलाउ किया है कि वहाँ पर भी मतलब क्यों ना जाए? मसला क्या है मुझे सीरियस समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं जा सकता? इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, मैं नॉर्दर्न एरिया जाना चाहता हूँ जहाँ दूसरे के बच्चे को याद आ गए थे, याद आ गए अपने बच्चे याद आ गए। अच्छा वो दूसरों के बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि मर जाओ, अब मर जाओ, इससे अच्छी जिंदगी मर जाओ सर। वो उसको अपने बच्चे याद आ गए थे। आइडियल तलत हुसैन की ट्वीटें छाप रहे हैं हमारे यार, मतलब वो देख के आपको अफसोस नहीं होता? तलत आया तो थोड़ा तलत आया, बिल्कुल आया थोड़ा तलत आया, पर नहीं आपको अफसोस नहीं होता वो देख सर? बहुत अफसोस होता है, दोनों ब्रायलर बच्चे उनके साथ खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि मैं एक दिन आऊंगा, और किसी ने उस पर लिखा भी था कि आप कुछ बहुत जल्द यहाँ की सैर को जाएंगे। बट उनके बच्चों से किसी ने पूछा? लोग बोल रहे हैं खान साहब अगर चाहते तो लंदन में बच्चों के साथ रहे, बच्चों से भी तो पूछते, वो रहना चाहते हैं इसके साथ कट रहे हैं वो। हाँ हाँ वहाँ का तो लोकल आदमी है, नहीं है यहाँ पर वहाँ का पता है वाला सीन है, अब सुजुकी चलाते हैं और नहीं वैसे अगर सीरियस में भी हम बात करें तो वो जो टीरियन है वो उनके साथ रहती है, उनको बहन बोलते हैं, जमाइमा को वो मॉम बोलती है, उसके साथ खान साहब ने अच्छा नहीं किया, अब्बू को जाहिल बोलते हैं। जब कैसे जाके उनके साथ रहना है? अब्बू का कमरा भी तैयार हो गया उधर जी। अच्छा अबू कट लेंगे। अच्छा इनको सारी जिंदगी इनको कंट्री साइड पे कमरा दिया, इनको घर का रिस्क ले ही नहीं रहा कोई कह रहे हैं इसको वहाँ दूर करो भाई, ये नहीं छोड़ अगर वो उस बुक्स के लिहाज से तो जो बुक उन्होंने लिखी थी साहब का गोइंग नॉर्थ एंड फजलुद्दीन इज गोइंग साउथ, तो ठीक है घूमे वहाँ मिले आपस में, वहाँ वो कूल लगेगा ना। अगर इमरान जो हाथ में जिनके वो है और जो रियासत बेचते हैं वो किसी बोट पे आएंगे तो कहेंगे लुक एट हिम यार क्या हैंडसम आदमी, लेकिन मौलाना अगर दरिया के किनारे चार पे बैठा है और उसने वो नहीं पहना और साथ फल पड़े तो बहुत गलत बात है, क्यों दाढ़ी है ना। डिपेंड करता है थाईलैंड में साथ कौन है, फिर जो बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए गए होंगे ना यार, बैकडोर वैसे देखो यार क्यों चिल ना करेगा एक इंसान अगर अपना ये बोक्स देखे आप मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इतना बोक्स है, इन्होंने किस तरह की न्यूज़ अब पीटीआई के जर्नलिस्ट फैला रहे हैं कि ये एक बीच गए, उन्होंने फजलुर रहमान आके बोला कि भाई नहीं इस वाले बीच पे कपड़े पहनने होते हैं, ये पीटीआई के जर्नलिस्ट गलीज बातें कर रहे हैं, गलीज बातें, गलीज बातें, बिल्कुल सही बात है वो लैंड, ये पीटीआई के जो जो है ना ये ट्विटर भाई ये बहुत है। ये एक पता क्या कह रहा था, कह रहे वो वहाँ गए बीच पे तो एक बंदे ने कहा भाई जान यहाँ इस्तंजा नहीं करना आगे जाता है, वो कह रहे हैं कि वो लैंड किए तो लोग आ गए कि भाई ये नहीं शहर का नाम बैंकॉक है वो कह रहे हैं ये थाईलैंड नहीं है तो ये इस तरह की खटिया बातें वो लोग, ठीक है यार घूमने जाना चाहिए मेरा।